नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म के जो फाउंडर थे, पायरू इज द फाउंडर ऑफ द स्केप्टिसिज्म। आपको स्केप्टिसिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ कि उनकी मेन इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से वर्ड ग्रीक जो सा है हमारे पास आया है। तो आपको इसके स्केप्टिसिज्म के बारे में ऑलरेडी मैंने जो सा है लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो आज मैं करवा रही हूँ इस टाइम के लिहाज से इनफ है। मिजाज तो स्केप्टिसिज्म जो है ड्राइव हुआ था एक ग्रीक वर्ड स्केप्टोमा से, जिसके स्टैंड है कि लुक केयरफुली। मतलब कितना पोलाइटली उन्होंने आंसर दिया, उर्दू वाले बेचारे कितने गलत सा आंसर भी दे देते हैं। शिक्की मिजाज, कितना रॉन्ग सा इंप्रेशन डलता है इस वर्ड से। तो इंग्लिश में देखिए उन्होंने कितना पोलाइटली सा दिया है इसका मीनिंग, टू लुक केयरफुली या टू इंक्वायरी। इंक्वायरी करना, किसी चीज के बारे में कोई जुस्तुतू पैदा कर लेना या उसके बारे में इन डेप्थ में जाके उसकी स्टडी करना या उसको इतनी केयरफुली देखना कि उसके असल रीजंस तक पहुंच जाना। अब आपको रीजंस बताती हूँ स्केप्टिसिज्म का क्या होता है। एक्चुअली स्केप्टिसिज्म जो है वो रेफर करती है, सॉरी फॉर डैट, के एटीट्यूड ऑफ डाउट। आपको जिस चीज पे डाउट होते हैं उस वो एटीट्यूड वो रेफर करती है, या जनरल टू वर्ड अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, की छोटी सी बात से लेके एक बड़ी बात की तरफ लेके जाते हैं। या डाउटिंग होते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप उसके बारे में, जो भी आपके पास काम है उसमें अगर आपको डाउट है आप उसके बारे में क्वेश्चन अराइज करते हैं। स्केप्टिसिज्म वाले क्या करते थे, ये लोग ऐसे थे, ये किसी भी चीज को चेक करते थे कि ये ठीक है या नहीं। ऐसा नहीं कि वो उस चीज को रॉन्ग कह देते थे, वो उस चीज को रॉन्ग कहने के बजाय उसमें क्वेश्चंस अराइज करते थे। लाइक क्वेश्चन, डज गॉड एग्जिस्ट। मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि हमें रीजन दे, अगर गॉड एग्जिस्ट है तो रीजंस के आंसर्स दे। ये मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बताती हूँ, ये फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, ये फॉरेन क्वेश्चंस होते हैं इनके, तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें क्रिटिसाइज नहीं करना कि ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या गॉड की एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं। ये करते थे क्योंकि इन्हें पता नहीं था ना गॉड का बारे में, इन्हें इंफॉर्मेशन इन थी, इनके यकीन नहीं थे, इसलिए इनके क्वेश्चंस भी ऐसे होते थे। ठीक है, अब किस तरह के सुपरनेचुरल पे ये काम करते थे, ये कहते थे मोरालिटी पे इनका होता था, स्केप्टिसिज्म पूछते थे कि मोरल लॉ क्या है, क्या मोरल लॉ एग्जिस्ट करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं मोरल लॉ के। अगर रिलीजन की तरफ हम मूव आउट करें तो स्केप्टिसिज्म वाले पूछते थे क्या डज अ गॉड एग्जिस्ट, इसका क्वेश्चन करते थे। मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ उसके बारे में तश्वीश कर रहे हैं। आजकल जैसा अगर आप एवरीडे लाइफ में देख लें, अगर एक लड़की आई है तो उसके बारे में उसके घर वाले एकदम से उससे 5-6 क्वेश्चन करते हैं, तो वो लड़की घबरा के कहते हैं क्या आप मुझे शक की नजर से देख रहे हैं, क्या शकी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग थे स्केप्टिसिज्म। आज भी लाइफ में अगर कोई ऐसे करता है, एक बात के पीछे बहुत से क्वेश्चंस अराइज करता है, तो हम उसे कहते हैं ये स्केप्टिसिज्म से बिलोंग करता है, ये स्केप्टिसिज्म पर्सन है। ठीक है, नॉलेज के बारे में भी कि कौन सा नॉलेज, कौन सी पॉसिबिलिटी इस नॉलेज की हो सकती है, कौन सी सर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, इस तरह के। अच्छा, एक वर्ड आपकी इसमें यूज होता है डॉगमेटिज्म, ये होता है, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। डॉगमेटिज्म वाले कहते हैं करेक्ट है या वो, जी हम पढ़ रहे थे डॉगमेटिज्म के बारे में। डॉगमेटिज्म वाले कहते थे चीज करेक्ट है या वो करेक्ट है या फॉल्स है, इस तरह वो आर्ग्यू नहीं करते थे। वो एक चीज को या तो करेक्ट कहते थे या फॉल्स है। लेकिन इसमें बेटे ये आप लोगों ने डिफरेंस रखना है, स्केप्टिसिज्म वाले ऐसे बिल्कुल नहीं थे, ये कहते थे कि अगर ये चीज ठीक है तो रीजंस बताएं। ठीक है, लॉजिक लेते थे उसके बारे में, क्वेश्चंस अराइज करते थे, उसे चेक करते थे कि ठीक है, क्यों है उसके सामने में, उसके ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिजम्स निकाल देते थे कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, ये क्यों ऐसे आप लोगों ने बात की है, इस तरह।